नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट्री में आपका स्वागत है। हमारे साथ लक्ष्मी जी जुड़े हैं, जो काफी समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। इनका क्या कहना है, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा में? डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी इंसा का इसी स्थिति बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, द फैक्ट्री में आपका स्वागत है। कितने सालों से आप डेरा में आ रहे हो? 25-30 साल तो हो ही गए मुझे, 30 साल तो हो ही गए। कैसा माहौल लगता है आपको डेरा सच्चा? यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ जैसा तो है ही नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं है। लेकिन जो है लड़कियों की सुरक्षा कैसी होती है? बहुत अच्छी तरह से होती है, पिता के घर जैसे अपनी बेटी सुरक्षित है ऐसे ही यहाँ पे। जो 3-4 साल पहले टीवी में मीडिया में दिखाया जा रहा था, क्या कहना है आपका? वो तो झूठ बोल रहे हैं, उनके कहने से क्या है। क्यों, मतलब इस तरीके से झूठा क्यों दिखाया जा रहा है? वो तो अपना चैनल सच दिखाने के लिए, ज्यादा सच को मतलब झूठ को दबाने के लिए जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं सब झूठे हैं। सच क्या है फिर? गुरु जी का नेचर कैसा है? बहुत अच्छा है, वो तो खुद खुदा है। यहाँ पर आके देखे दुनिया तो पता चले ना। अब कहीं भी अपने घर में तो बैठ कर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, जब यहाँ पर आप आएंगे तभी तो पता चलेगी यहाँ का माहौल क्या है क्या नहीं। क्या आज उनकी जरूरत है समाज को? बहुत जरूरत है। उन्होंने समाज के लिए किया क्या है? बहुत कुछ किया है उन्होंने। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं तो सरकार से यही कहूँगी कि हमारे गुरु को जल्दी से जल्दी आज्ञा रिहा किया जाए और हम सबको दर्शन दे आगे। हमारी बस यही अपील है सरकार से कि उनकी बहुत ही बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बोल रहे हैं लोग कि सख्त जरूरत है समाज को, संत डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी की। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट।